गाइस, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये छोटी सी क्लिप मैं ऐड इसलिए कर रही हूँ इसमें, क्योंकि मेरा जो नेक्स्ट व्लॉग है वो दीदी के घर के अगले दिन का है। तो इसलिए बस मैं यही बताना चाह रही थी कि अब हम दीदी के घर से जो है लौट के जा रहे हैं, तो ये वही डे का, मतलब उसी दिन का ये व्लॉग है। तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा इस व्लॉग को। सो गाइस, वेलकम अगेन। तो रात के बाद सुबह हो चुकी है, तो ये मेरा सुबह का व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। तो ये है सुबह का नज़ारा, एकदम बढ़िया अच्छा लग रहा है। धूप भी प्यारी प्यारी सी धूप लग रही है, बस एकदम अच्छा निकल चुके हैं। और ये है बिल्कुल, मैंने आपको कल भी दिखाया था, आज भी दिखा रही हूँ, ये है सुबह का व्यू, एकदम खाली रोड, एकदम खाली रोड। हाँ बेटा, ओ मेरा चीकू भी आ गया खेलने के लिए। चीकू बोल रहा है मैं वीडियो बना रही है, आ जाओ आ चीकू, इस पर बैठेंगे। ये है दादी की छोटी सी चारपाई, है ना, ये दादी की चारपाई, हम दादी की चारपाई भी बैठ जाते हैं। सो सुबह सुबह अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा फ्रेश फील हो रहा है एकदम से। आज मेरी नींद भी बहुत अच्छे से पूरी हुई है। मैं दो तीन दिन से थोड़ा सा ऐसे ही सो रहे थे, लेट नाइट सो रहे थे, लेट उठना, लेकिन आज सो चुकी हूँ मैं, तो आज बड़ा अच्छा सा लग रहा है। टाइम से सो गए थे 11 बजे, तो अब उठ भी गए। अब आज हम जाएंगे वापस, कल आए थे, आज जाएंगे हम लोग वापस बस। तो यहाँ क्या हो रहा है मैं बताती हूँ आपको। जीजा जी जो है पूजा कर रहे थे, सूरज देवता को जल चढ़ा रहे थे, तो चीकू भी उनके साथ जल चढ़ाने गया था। नहाया नहीं है, लेकिन उसको अच्छा लगता है, मतलब ये चीज़ें वो घर पे भी देखता है, तो वो ये चीज़ें खुद भी करता है। तो बस वो जीजा जी के साथ में पूजा करने लग गया था। आप भी चढ़ाओ, जय जय कर लो सूर्य देवता की, नमस्ते करो, जय जय कर लो सूर्य देवता की। हम लोग जा रहे हैं घर पे। अच्छा जी, यही चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब आप लोग आना है, खा रहे हम लोग। दीदी इधर है, सर्दी हो रही है, खा पी लिया का थोड़ा, पैक पैक हो गए मेरे। चलो और इसके सुनो। सो गाइस, बस ये आ चुकी थी हमारी विदा की घड़ी। मन तो नहीं कर रहा था मेरा, तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था जाने का, लेकिन इनको जाना ज़रूरी था, इसलिए हम लोग बस मतलब नेक्स्ट डे ही दीदी के यहाँ से निकल लिए थे। मेरा थोड़ा मन था कि हाँ इतने दिनों बाद, मतलब पहली बार आए हैं तो थोड़ा सा रुकें। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके थे बस का इंतज़ार करने के लिए, क्योंकि बस जो है दीदी के घर के बाहर से ही मिल जाती है। जैसे कि आपने देखा ही, दीदी का घर बिल्कुल रोड पर ही है, तो यहाँ से आराम से हमें बस इजीली मिल जाती है। हमें यहाँ बस स्टैंड वगैरह पे नहीं जाना पड़ता है। तो गैस, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं चुन्नी डाले, इतना घूंघट लगाए क्यों खड़ी हुई हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ। हमारे यहाँ पे हमारे बड़ों के सामने दुपट्टा सिर पे रखा जाता है, चाहे वो मेरे जेठ जी हों, नंदेव जी हों, ससुर जी हों, तो ये एक मतलब सम्मान है। शुरू से हम देखते हुए आ रहे हैं अपने पेरेंट्स को, पेरेंट्स को क्या मतलब अपनी मम्मी को, अपनी सासू माँ को, अपने बड़ों को, तो वो लोग भी रखती हैं, तो हम लोग भी मतलब रखते हैं। अब चीज़ें चेंज हो रही हैं, नहीं करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे यहाँ ये चीज़ें अभी भी हैं, तो हमें करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, तो बस अच्छा लगता है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे चीकू की हो रही है बाय बुआ जी से, बस आ रही है हमारी बाय। तो गाइज, ये हैं दीदी के फादर इन लॉ। तो चीकू भी इनसे बहुत अच्छे से मिला, उनसे राधे राधे किया, उनके पैर छुए। तो चीकू जो है हमारा कभी कभी बहुत अच्छे से बात मान लेता है, हमने उससे बोल रहे थे तो वो सारी चीजें कर रहा था। सो गाइज, बस ये लास्ट का कुछ पल इस तरह से निकला।
तो बस हम लोग बैठ चुके थे बस में अपने फरीदाबाद के लिए। तो बस में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन हमें सीट मिल चुकी थी बैठने के लिए। बहुत ज़्यादा बस में दिक्कत हुई क्योंकि वहाँ पे थोड़े से आर्गुमेंट हो गया था बस में बैठने को लेकर। सीट इतनी इजीली नहीं मिल पाई थी क्योंकि वहाँ रोडवेज बसेज हैं तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, क्योंकि प्राइवेट बसेज जो वहाँ चलती है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे चलती है, तो वो वहाँ 3 बजे से चलती है। तो हमें इतना टाइम नहीं था कि हम 3 बजे वहाँ से जाएं, तो इसलिए हम बैठे थे 11 बजे, तो काफ़ी लेट हो गए थे हम लोग। सो गाइस, फाइनली हमारा बस का सफ़र ख़त्म होने जा रहा था क्योंकि हम लोग पहुंचने वाले थे गाजियाबाद पर। गाजियाबाद में हमें जाना था कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन, तो वहां के लिए हमारी बस थी। तो बस हम लास्ट स्टॉपेज था हमारा, जो हम बस से उतरने ही वाले थे, उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन। तो वहाँ से हमें अपने लिए मतलब फरीदाबाद के लिए मेट्रो लेनी थी, फिर उसके बाद हम लोग जो है मेट्रो में अभी थोड़ी देर में बैठने ही जा रहे थे। तो इतना ज़्यादा मतलब परेशान हो गए थे क्योंकि गर्मी अभी शुरू ही हुई थी और धूप इतनी तेज़ थी, तो बच्चा भी परेशान हो जाता है। तो यहाँ चीकू भी देखिए, लेकिन फिर भी बेचारा बहुत ज़्यादा मतलब कोऑपरेट करता है, काफ़ी समझदार है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं देता कि नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं, बहुत एडजस्ट कर लेता है अगर हम सफ़र में जाते हैं तो हमारे साथ साथ। ठीक है, हम लोग आ चुके हैं कौन सा है कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन। यहाँ से हम लोग जाएंगे अपने घर जाएंगे हम यहाँ से कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन से कर रही हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आपातकालीन अलार्म बटन दबाएं। अगला स्टेशन निर्माण विहार। प्रेस द इमरजेंसी अलार्म बटन इन केस सम ऑब्जेक्ट और पर्सन इज स्टक इन द ट्रेन फॉर एनी अदर इमरजेंसी। नेक्स्ट स्टेशन इज निर्माण विहार। मैंने थी वॉशरूम, अब मैं जा रही हूँ चीकू के पास में। चीकू के पापा और वहाँ खड़े हुए हैं। आ चुके हैं फरीदाबाद मेट्रो स्टेशन। चलो चलो चीकू, इससे जाएंगे। कोई प्रॉब्लम हो गई है, वो निकल नहीं पा रहे, तो ये चेक करने गए हैं अपना बैलेंस क्या है क्या नहीं। नहीं है इससे चलो ना। सो गाइस, फाइनली हम फरीदाबाद में आ चुके हैं और अपने घर के लिए हम निकल रहे हैं। दीदी के घर से हम यहाँ तक आ चुके हैं, तो बस अभी पहुँचते हैं थोड़ी देर में घर पर। गाइस, कहीं से भी लौट कर आते हैं ना, तो बस ये जो लास्ट का पल होता है ना, वो इतना ज़्यादा भारी पड़ता है कि हम कब पहुँचें कब पहुँचें, ऐसा सबके साथ होता है क्या? मेरे साथ तो बहुत होता है। तो ये लास्ट का मोमेंट मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब टायर्ड लग रहा था, इतना ज़्यादा थकान हो रही थी, तो बस ऐसा लग रहा था कि कब जल्दी से घर पहुँच जाएँ, क्योंकि चीकू को भी देख के लग रहा था क्योंकि वो पूरा दिन उसको हो चुका था। सो गाइस, अब मैं आ चुकी हूँ अपने घर पर, मतलब यानी कि फरीदाबाद मैं लौट के आ चुकी हूँ। अभी मेट्रो स्टेशन पर थी, अब मैं घर पे आ चुकी हूँ। तो यहाँ मैंने चीकू को बिल्कुल फ्रेश करके कपड़े चेंज करके उसको लेटा दिया है, सुला दिया है। उसने कुछ खाया नहीं है, लेकिन अभी मैं उसको दूध दूँगी क्योंकि अभी कुछ बनाने का भी मतलब नहीं सिस्टम है। अभी मुझे थोड़ा सा किचन भी डस्टिंग करना है, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत कर दिया है। और यहाँ मैंने बैग वैग भी खोलना शुरू कर दिया है क्योंकि घर हो चुका है बहुत ज़्यादा गंदा, चारों तरफ देखो पूरा फैलारा पड़ा हुआ है। मैं इसे धीरे धीरे समेटूँगी। तो इसको बालकनी को भी क्लीन किया है पूरा अच्छे से, इतना ज़्यादा गंदा हो रहा था अभी, बालकनी पूरा क्लीन किया है। ये देखो कितनी सारी पत्तियाँ हैं। तो बस अब मैं लगती हूँ घर के कामों में। तो बस इन्हीं चीज़ों के साथ अब मैं करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और प्लीज़ प्लीज़ गाइड सपोर्ट मी। और नए नए ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल पर हमेशा बने रहिए। और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट नए ब्लॉग में, देखती हूँ अब क्या नया ब्लॉग आएगा।
तो अभी बस मैं इन्हीं चीज़ों के साथ एंड करती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम चला पड़ा है। मैं उसको सारा समेट लेती हूँ, बैग भी खोलना है और कुछ बनाना भी है, क्योंकि शाम के बज रहे हैं 7 और बच्चे को भी खोल देना है। क्योंकि मेरे साथ क्या है, मैं आते ही लगती हूँ, मेरे को ये नहीं है कि मैं एक दो दिन बाद बैग खोलूँगी या एक दो दिन बाद चीज़ें करूँगी। मेरा ये रहता है, मैं आई और मेरे बैग सारे खुल जाते हैं और सारी चीज़ें बस शुरू कर देती हूँ मैं, क्योंकि दिमाग में, दिल में, मन में वजन सा रखा रहता है, ये भी काम है। तो सबसे पहले मैं यही काम ख़त्म करती हूँ। तो गाइस मिलती हूँ बस इन्हीं बातों के साथ आज नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।